हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी जी सर, सर जी हाँ जी आ रही है। हाँ जी। आ गए सभी का? मेरे ख्याल एक दो मिस हैं। शाहजेब है? जी सर जी शाहजेब, असद, ये मैथ एक्सपर्ट कौन है? अच्छा असद ही है। कितना एक्सपर्ट हम जी असद? असद कितने एक्सपर्ट हो मैथ के? अच्छा, असद की आवाज ही नहीं आ रही। असद बिलाल, ये असद ही है या कोई और है? असद ही क्या? तो रहा नहीं आगे से। फिर जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, अब आई है। सर अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गए हुए थे? अच्छा, इधर ही था, बस ज्वाइन कर रहा था। वो थोड़ा मसला आ रहा था जूम में। ठीक है। अच्छा, सिनॉप्सिस में जब मैंने रिकॉर्डिंग में हो रही है, इसके मैं साथ शेयर भी कर दूंगा आप लोगों को। हो रही ना जी रिकॉर्डिंग? जी सर जी सर ठीक है। कि जो चीजें सिनॉप्सिस की थी, बेसिकली मैंने आप लोगों को बता दी हुई है क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके। और किसी को समझ नहीं आती तो यूट्यूब की जो वीडियोस है ना बनी हुई, मैंने शेयर की हुई है, उसमें से वो सारी देख सकता है। और सेकेंडली, जो मैंने आप सब लोगों को रिसर्च के ना वो आर्टिकल्स दे दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको देखना है। अब जो भी चीज आपने लिखनी है उसको रिफ्रेस करते जाना है, ताकि आपकी जो सिमिलैरिटी है वो ना आए कहीं पे। जी रेफरेंस सर लिखने का स्टाइल और जो चीजें सारी मैंने आपको बता दी, मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट आपको लोगों को कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को दोबारा उससे गो थ्रू हो जाए। स्क्रीन में पीडीएफ नजर आ रही है आपको? क्लियर जी सर आ रही है। है? ठीक। जी सर अब इसमें आपको मैंने बताया था, आपने फर्स्ट पेज पे, अगर आप लोग लेटेक्स पे काम करेंगे या वर्ड में करेंगे? वर्ड वाला सर, तो नहीं वैसे लगता। सर लैटिक्स बिना में थोड़े क्या मसला बनना होना? है, वर्ड में थोड़ा आसान रहेगा। दोनों में मैं आप लोगों को बताया हुआ, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोग कर लें, चाहे लैटेक्स में लिख लें चाहे वर्ड में लिख लें। ठीक है, सर वर्ड में आपने बताया ही नहीं था, बाद में आपने कहा था कि मैं मैंने बताऊंगा, बताया लेकिन था। वर्ड मेरे ख्याल में वो लेक्चर में अपलोड नहीं किया मैंने, वो ना रिकॉर्डिंग उसकी है सेव नहीं हुई मुझसे, तो वो फिर ठीक है मैं सर। रिकॉर्डिंग शेयर कर बना के ना कोई एक को शेयर कर दूंगा। जो लिखने का स्टाइल है दोनों के अंदर सेम है। वहाब ठीक आपने किस पे लिखना, लेटिक्स या वर्ड? सर जी, वो सॉफ्टवेयर विन एडिट वाला, ठीक है। बिलाल, आपने? मिक टेक्स्ट वाला। लेटेक्स ठीक रहने, लेटेक्स पे लिखूंगा ठीक है। फरवा, आपने? सर लेटेक्स पे ही लिखूंगी। और शाहजेब? सर, वो विन एडिट वाला सॉफ्टवेयर हाँ, जो दिया लेटेक्स, था उसे उसके विनर लिए। एडिट को लेटेक्स ही कहते हैं। जी जी सर जी सर, ठीक है। तो आप जब लेटेक्स में लिखते हैं तो इसमें आपने कोई भी चीज चेंज नहीं करनी। वर्ड का ना मैं जो फाइल है आपको ना कल सेंड कर दूंगा, फाइल अभी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर, मगर उसमें कुछ चीजें जिस तरह से एडिट वगैरह करनी है वो मैं यूट्यूब पे वीडियो बना के ना शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है सर। इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं होनी, आपने बस टाइटल लिखना है यहाँ पे चेंज करना है। टाइटल आपने पेपर का ले लेना, उसको रिफ्रेश कर लेना कोई अपनी अपनी वर्डिंग में, फिर बाद में मैं उसको देख लूंगा कोई चेंज करना हुआ तो। आगे नेम्स और रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएंगे, डेट ऑफ एडमिशन आपकी सितंबर 2020 होगी, और डेट ऑफ इनिशियलाइजेशन आपकी आ जाएगी सितंबर 2021। सुपरवाइजरी कमेटी में पहले मेरे सेम जी, यही वाले होते थे डायरेक्टर। जो टाइटल आपकी वॉइस किस किस स्लो आ रही है? का सर जी, जो नेम है, हाँ सर सर वो कह रहा है कि जो हमारा टाइटल है वो भी चेंज करके लिखना है। और टाइटल को भी रिफ्रेश का मतलब है उसको चेंज कर लेना है। जब भी वर्ड में रिफ्रेश कहूँ तो इसका मतलब है उसको वर्डिंग उसकी चेंज कर लेनी है, यानी मीनिंग सर उसका जो सेम रहे, ठीक है सर, ठीक है एक ही वर्ड को सर, लेकिन बहुत सारे तरीकों से लिखा जा सके। मतलब कि
सिनोनिम फॉर्म में लिखना है। ठीक है सर। सर ये जो रीफ्रेज है ये खुद से ही करना है या वो नेट से भी ऑनलाइन हो जाता है वो ठीक रहेगा? नेट वाला ठीक नहीं होता, यानी रीफ्रेज इस तरह से करना है कि उसमें आपकी जो लैंग्वेज है ना मीनिंग वो खराब ना हो। ठीक है सर। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग है, जैसे वर्डिंग मैंने बच्चों के जब नेट से करते हैं उसमें लिखा होता है सर्कुलर सिलेंडर, तो उसको वो और तरह से लिख देता है, सिलेंडर को वो कह देता है कुछ और चीज कह देता है, यानी कि वो वर्डिंग चेंज इस तरह से नहीं करनी कि उसके मीनिंग चेंज हो जाए, मीनिंग वही रहने चाहिए। जी ठीक ठीक है, है सर। मतलब मैन्युअली खुद ही करने हैं? मैन्युअली भी कर लें, उधर से भी अगर करनी है नेट से भी कर लें, मगर उसको बाद में खुद से एक दफा देख लें इसके मीनिंग तो नहीं बदल रहे, ठीक है मीनिंग सर। और ग्रामर खराब ना हो। जी सर। जी सर। जैसे इनफिनिट का वो रिफ्रेज दे देता अनबाउंडेड, ये तो हमारे पास नहीं ना है वर्ड, इनफिनिट का मतलब और होता है, अनबाउंडेड का मतलब और होता है, तो ये आपने देख लेना वो क्या ठीक होगा। सेकेंडली यहाँ पे जो मैंने यहाँ ठीक आपसे लिखा है ये जो सुपरवाइजरी कमेटी है, पहले आपकी यही वाली होती थी, अब आपने चेंज करनी है नंबर, क्योंकि सर नवाज रिटायर हो रहे हैं तो नंबर वन पे मैं ही रहूंगा डॉक्टर मोहम्मद इमरान, सेकंड पे डॉक्टर मोहसिन रजा, और थर्ड पे आप लोग कर लीजिएगा डॉक्टर अख्तर अली। स्पेलिंग आप लोगों ने ध्यान से सही वाले लिखने हैं, मोहसिन रजा के स्पेलिंग यहाँ पर ठीक लिखे हैं, और अख्तर अली के AKHTARALI वो आप लोग लिख लेंगे, मेरे जो सिर्फ मेरे से वाले स्टूडेंट हैं। अब्स्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ आपने क्या करना है, कि जो मेन आइडिया वहां पे दिया हुआ है आपने वहां से देख के उसको रिफ्रेस करके यहाँ पे लिख लेना है, वही वाला जो अब्स्ट्रैक्ट है उसको जी रिफ्रेस सर। करके ठीक उसकी मेथड हम वही यूज करेंगे। इसके बाद अगला जो आता है, इससे अगला पार्ट आता है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, इसके अंदर आपने कोई एक से डेढ़ पेज ना लिखना होता है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, आपने बेसिक चीजें होती हैं आपने लिखना होता है हमारा प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है, तो इसमें आप फ्लूड की से स्टार्ट भी हो सकते हैं, मैकेनिक्स से भी स्टार्ट हो सकते हैं, नैनो फ्लूड से भी हो सकते हैं, बायो कन्वेक्शन, यानी आपने बताना है कि बायो कन्वेक्शन है या नैनो फ्लूड है ये क्यों जरूरी है। आप दो तीन पेपर्स पढ़ेंगे, जैसे इंट्रोडक्शन ही होता है पेपर का, उसके पहले एक दो जी सर। पैराग्राफ लिखे होते हैं उसमें जी बताया सर। होता है कि हम ये काम कर रहे हैं तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके रियल लाइफ में के अंदर क्या एप्लीकेशन है, ये सारी चीजें आप लोगों ने ये इसके अंदर लिखनी है नीड ऑफ द प्रोजेक्ट के अंदर, यानी इससे नेम से क्लियर है कि हमने सर ये बताना है कि एब्स्ट्रैक्ट हम ये जो कितने सिनॉप्सिस लिख रहे हैं ये रिसर्च कर रहे हैं, ये इसका क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। इसके बाद अगला पार्ट जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इसमें आपने जो पेपर्स हैं डिफरेंट देख लेने, उसके अंदर आपको स्टाइल मिल जाएगा, आपने क्या करना है जो पेपर्स हैं उनको एक तरतीब के साथ पैराग्राफ में लिखना है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी अगर आप लिख रहे हैं ना फ्लूड्स के बारे में तो उसमें सारे फ्लूड्स के बारे में पैराग्राफ शुरू कर देंगे, अगर आपने अगर नैनो फ्लूड्स का लिखा तो आप नैनो फ्लूड्स के बारे में लिखेंगे, नैनो फ्लूड्स का फर्स्ट किसने काम किया, इसके बाद सेकंड पर्सन किसने किया, थर्ड ने अगर सिलेंडर में किया या कौन कौन सी चीजें उसके अंदर यूज कर देंगे, तो आप तरतीब के अंदर ये वाले रेफरेंस लिख देंगे। इसके अंदर अगर आपने बायो कन्वेक्शन के बारे में लिखना है तो आगे आप लिख देंगे बायो कन्वेक्शन का इन इन लोगों ने काम किया, ये चीज लोगों ने काम किया, अगर इसके आगे आप MHD के बारे में लिखना चाह रहे हो तो एक दो पैराग्राफ MHD के बारे में लिख देंगे, डायनेमिक्स पे इन इन लोगों ने काम किया तरतीब के साथ, यानी कि सबसे पहले शुरू शुरू में, यानी कि अगर किसी ने 1970 में काम किया है 1970 वाला आ जाएगा, फिर 1971 वाला, फिर 1976 वाला, फिर 99 वाला, फिर 2000 वाला, फिर 2005, यानी ईयर वाइज आएंगे पैराग्राफ। अगर आप लिख रहे हैं पहले किसके बारे में, नैनो फ्लूड्स के बारे में, फ्लूड के बारे में, तो फ्लूड के बारे में ईयर वाइज आप एक दो पैराग्राफ लिख लेंगे तो उसके रेफरेंस उसी तरह से सेट हो जाएंगे। सेकंडली क्या होगा, अगर आप लिख रहे हैं नैनो फ्लूड्स के बारे में तो नैनो फ्लूड्स के सर इसमें बारे में क्वेश्चन आप, है हाँ जी बोलें। सर, इसमें अब अगर हम नैनो फ्लूइड पे लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से बंदे ने पहले काम आप किया है जिसको जो मर्जी लिख लें, डिफरेंट? कोई जरूरी नहीं है कि एक कोई लिखना है, उसी कौन से लिखने हैं आपने, टोटल इसकी कंडीशन है, हमने टोटल 25 रेफरेंस है ना यहाँ पे होने जी चाहिए सर। आपके सिनॉप्सिस के अंदर, जी सर। वो आपने पूरे करने हैं। ठीक है, ठीक है सर। जी सर। ठीक। तो आप ये रेफरेंस कहीं से भी लिख सकते हैं, इसमें बस रेफरेंस लेने का ये तरीका है कि टोटल जो है आपके पास 25 एट लीस्ट हो, और उनको आपने APS स्टाइल के अंदर लिखना है, और जो सबसे पहले रेफरेंस होगा उसको सबसे पहले नंबर पे, सेकंड नंबर वाले रेफरेंस को सेकंड नंबर पे, और थर्ड वाले नंबर वाले रेफरेंस को थर्ड नंबर पे लिखना है। ठीक है,
और तरतीब क्या लगानी है, एक पैराग्राफ है उसमें फ्लूड के बारे में लिख रहे हैं तो फ्लूड के ईयर वाइज, देन अगर आप उसको लिख रहे हैं नैनो फ्लूड का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो नैनो फ्लूड्स की सारी चीजें एक पैराग्राफ में ईयर वाइज, बायोकन्वेक्शन को लिख रहे हैं तो बायोकन्वेक्शन की चीजें पैराग्राफ में वो जो है ईयर वाइज लिखते जाएंगे आप लोग। अगर उसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो न्यूमेरिकल मेथड्स के लिखेंगे कि कौन कौन से मेथड अवेलेबल हैं, किसने कौन कौन सा काम कैसे किया, वो आप ईयर वाइज लिख लेंगे। इसके बाद मेथड्स और मेथडोलॉजी आ जाएगी। इसके अंदर ये तकरीबन आपका मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिफरेंट होगा। आपने जो सारी तरतीब है वो लिख लेनी यहाँ पे कि आपने सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक तरतीब बनी होगी हुई होगी। यहाँ मैं आपको ना एक और जो स्नॉप्सिस आपको मैं कर देता हूँ व्हाट्सएप इसी ग्रुप के अंदर, उसमें लिखा सबसे पहले आपने उसकी इक्वेशन बनानी है, फिर उनको सिमुलेटेड ट्रांसफॉर्म बना के डायमेंशनलेस बनाना है, फिर आपने उसको शूटिंग टेक्निक लगानी है, शूटिंग टेक्निक लगाने के बाद आपने उसको जो है मैटलैब पे सॉल्व करना। ये तरतीब में ये जो है सबकी तकरीबन सेम जैसी आएगी, मगर आप लोगों ने उस पर जो वर्डिंग है वो जरा डिफरेंट कर लेनी है। और उसके बाद जो बेसिक इक्वेशंस आपकी आनी है यहाँ पे आप लोगों ने वो लिख लेनी है। और आगे आपने जो दिया उसमें वो फाइनाइट एलिमेंट मेथड लगा किया हुआ है, मगर हमने फाइनाइट एलिमेंट मेथड नहीं लगाना, हमने वही लगाना है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्म ही लगानी, मेथड वही लगाना है, मेथड चेंज हो जाएगा। मेथड सर सबका सेम होगा? सबका सेम होगा। और ये इक्वेशन अब यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशंस है आपने सबसे पहले वाली इक्वेशंस है वो वाली लिखनी है यहाँ पे बस, और उसके बाद लिखने के बाद उसकी ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री बता देनी है जी सर, और बस उसको एंड कर देना और बता देना कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और मेथड हमने ऑलरेडी पहले बता दिया हुआ है सर। फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में जो मैं वही कर रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट हम अपने आप अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे ना कि ये वाला मेथड है इसको हम उसके जो आपको मैंने मेथड बताया उसके अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व करेंगे जी सर। ठीक हो गया। और एंड पे रेफरेंसेस आ जाएंगे, ये आप कहेंगे जो रेफरेंस को आपने सबसे पहले लिखा है वो पहले नंबर पे, जो सेकंड पे लिखा सेकंड नंबर पे, जो थर्ड पे लिखा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट पेज है सर जी, एब्स्ट्रैक्ट कितने पेज का करना है? एक पेज का? आपकी आवाज नहीं है, इधर थोड़ा लाउड बोलो। सर कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कितने पेज का लिखना है? हाफ पेज का काफी नहीं सर? सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपका माइक म्यूट हो गया। हाँ जी बोल। हाँ, जो अब्स्ट्रैक्ट है तकरीबन होता है एक पैराग्राफ का 10-11 लाइंस, हाफ पेज इतना होता है, उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, 7-8 लाइन भी हो सकती हैं, 9-10 भी हो सकती हैं, 11-12, मगर एक पैराग्राफ की फॉर्म में होता है ये जी सर। सबसे एंड वाला पेज है, इसमें सिग्नेचर्स आएंगे, आपका नेम आ जाएगा, सुपरवाइजर कमेटी सेम रहेगी, ये चेंज नहीं होनी, डॉक्टर एसन बनियामीन, डॉक्टर साइमा, डॉक्टर मोहसिन और डॉक्टर उजैर, इसके बाद चेयरमैन और डीन और डॉक्टर एडवांसमेंट ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई तरतीब चेंज नहीं होनी लास्ट वाले पेज पे। ठीक है, और कोई आपका कुछ चीज पूछनी हो तो आप पूछ लें, अब आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स हैं। ठीक है सर, ये जो रेफरेंसेस हैं फिर इनके लिए हमें 4-5 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे टाइटल के अंदर होगा जो हमने। हाँ जी ठीक है, मैं आपको एक दो सिनॉप्सिस सेंड भी कर देता हूँ आपके सैंपल के तौर पे, आप उसको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। सर हम रेफरेंस पहले ऐड करेंगे कि या बाद में भी कर सकते हैं? नहीं, रेफरेंस जैसे जैसे लिखोगे साथ साथ ही ऐड होंगे ना जी सर। ठीक है सर, जितने मतलब रेफरेंस पीछे यूज किया उनकी बाद में लिस्ट बना के लिख देना उनको। हाँ, जो रेफरेंस हमने यूज किया उसकी लिस्ट बना देनी आपने। सर एक और बात सर, कुछ रेफरेंस जो हमें आपने पेपर सेंड किए हैं उस पर भी दिए गए हैं, तकरीबन 36 हैं, तो उनमें से भी हम यूज कर सकते हैं? सारे के सारे यूज कर ले, कोई मसला नहीं। फिर सर उन्हीं को यूज कर लेते हैं इधर जो पेपर पे दिए गए हैं, जिस तरह आपको ठीक लगे आप कर लें। जी सर ठीक है, ठीक है सर। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का? और सर जिनकी ज्योमेट्री नहीं है उनने ज्योमेट्री तो नहीं ना बनानी फिर? ठीक है, उस ज्योमेट्री आप रहने दे, बाद में बना लेंगे जी सर। ठीक है।
ठीक है ठीक और है सर, सर वो हम जो है सिनॉप्सिस बना के आप वो चेक करवा दें। और जो वर्ड में आप लोगों को मैं तकरीबन कल इसकी वीडियो बना के शेयर कर दूंगा जो वर्ड वाली है। सर हम कोई ग्राफ वगैरह कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं सिनॉप्सिस में? हाँ जी कर सकते हैं सिनॉप्सिस में। ठीक है सर, कुछ जहाँ पे जरूरी हो कर सकते हैं, अगर गैर जरूरी तौर पे हमें फजूल में नहीं करनी, अगर आपको लग रहा है जरूरी है चीजें यहाँ पे इसका फायदा होगा दिखाने का तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जी सर, जैसे सर वो हम मतलब के वो विकोस्टी की बतानी हो किसकी विकोस्टी ज्यादा है इसकी काम में, तो वो अगर हाँ ग्राफिक्स ऐड हाँ जी उसका फिगर ऐड कर सकते हैं। जी सर, सर कोई जो हमारे पास डेफिनेशन जो यूज हो रही है जो हमारे पेपर में यूज हो रही है तो उनको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नीड ऑफ प्रोजेक्ट में? जरूरी नहीं है यहाँ पे, वो थीसिस के अंदर करेंगे। जी सर ठीक है ठीक है। कोई और क्वेश्चन सर? जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो सारी हमने एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी है या कितनी लिखनी है वो भी बता दें? जो बेसिक इक्वेशंस है ना आगे सारी नहीं लिखनी, जो बेसिक है ना जैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, मोमेंटम इक्वेशन है, कंसंट्रेशन इक्वेशन है और हीट इक्वेशन है या मोटाइल की इक्वेशंस है, डेंसिटी की, वो इक्वेशंस लिखनी है, बाकी ज्यादा डिटेल आगे नहीं लिखनी। उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे कौन कौन सा वेरिएबल इसके अंदर क्या है। जी सर ठीक है। और सर हाँ जी सर, लास्ट के ऊपर बाउंड्री कंडीशन भी दी गई हैं तो वो भी हम साथ में लिखेंगे? हाँ बाउंड्री कंडीशंस भी लिखते हैं। नहीं वो आपके आ जाएगा ना, वी विल सॉल्व दिस इक्वेशंस विद दिस बाउंड अंडर दिस बाउंड्री कंडीशंस, इस तरह से आपका वो सारा आ जाएगा। सर बाउंड्री कंडीशन को हम चेंज तो नहीं ना करेंगे? जो पेपर पे कंडीशंस को आपने चेंज नहीं करना, जो पेपर पे है उन्हीं को लिख देंगे। हाँ जी जी सर। कोई और क्वेश्चन? ठीक है सर, कोई नहीं है। कोई और क्वेश्चन है अगर फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है सर, ठीक ओके सर। अल्लाह हाफिज़ सर।